बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह का आया तूफान। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की उड़ा कर रख दी धज्जियां। पहले T20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह, तो वहीं हार्दिक पांड्या और घातक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहरा मचा दिया और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाते हुए पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के लिए यानी कि पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम के लिए किस तरीके से रिंकू सिंह यमराज बन बैठे, सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेरों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहरा मचा दिया और आज से 90 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह के भी देखकर पसीने छूट गए। गौतम गंभीर ने खड़े होकर के अपनी चेयर से सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को सलाम ठोका। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने 100 नहीं 150 नहीं बल्कि दोहरी तो वहीं तेहरी शतकीय पारी खेल डाली और इन तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर एक इतिहास रच दिया। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच पहले T20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा खुश हुए क्योंकि उन्हें गेंदबाजी करने का मौका मिल गया। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान ने सोचा कि हम भारतीय टीम को 100-150 रनों के भीतर ढेर कर देंगे, लेकिन शायद ये नहीं पता था कि एक ही बल्लेबाज 100-150 रन ठोक करके जाएगा। सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। आप सभी को बता दें, ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, दोनों ओपनर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज, मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। यशस्वी जायसवाल ने पहले ही एक ओवर में शानदार तरीके से एक चौके और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 10 रन ठोक दिए। यशस्वी जायसवाल और भारतीय टीम की शुरुआत काफी खतरनाक विस्फोटक तरीके से थी, तो वही शुभमन गिल ने दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की ओर चौके, एक आसमानी गगनचुंबी छक्के की मदद से 14 रन ठोक दिए। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक शेरों को क्या हो गया है जो इतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। यशस्वी जायसवाल वो तूफानी, वो खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जिसने बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। बांग्लादेश की तरफ से तीसरा ओवर लेकर के आया काफी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज जो यशस्वी जायसवाल को आउट करने के लिए चला था, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से चल रहा था। यशस्वी जायसवाल का भी ताबड़तोड़ अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यहां पर शुभमन गिल को लेकर के भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। ये 5वें ओवर की 2री बॉल पर शुभमन गिल यहां पर 28 रन ठोक करके आउट हुए। शुभमन गिल जैसे ही आउट हुए, मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आए। जी हां, काफी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने मैदान पर कदम रखा और यहां पर 5वें ओवर की बची 2 बॉलों पर लगातार 2 चौके ठोक दिए। ऋषभ पंत और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं भारतीय टीम को एक और काफी बड़ा झटका लग गया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए। ऋषभ पंत यहां पर तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी तो कर रहे थे, लेकिन यहां पर 9वें ओवर की 2री बॉल पर मैच 18 रन ठोक करके आउट हुए। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत जब पूरी तरीके से फ्लॉप हुए तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा, लेकिन फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए ऑलराउंडर बल्लेबाज हार्दिक पांड्या आ गए। हार्दिक पांड्या ने मैदान पर उतरते ही तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहरा मचा दिया। 10वें ओवर की 6 गेंदों पर शानदार तरीके से 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। हार्दिक पांड्या की शुरुआत काफी बेहतर थी, तो वहीं यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से चल रहा था। यशस्वी जायसवाल काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को आउट करें तो करें कैसे। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। 11वें ओवर की 1ली बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिया। 11वें ओवर की 2री बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया, जहां पर स्ट्राइक यहां पर हार्दिक पांड्या के हाथों में चली गई और हार्दिक पांड्या ने 11वें ओवर की 3री बॉल पर कवर ड्राइव के चौका ठोक दिया और हार्दिक पांड्या ने यहां पर आप सभी को बता दें घातक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 11वें ओवर की 4थी बॉल पर एक गगनचुंबी बाउंड्री लाइन के पार छक्का ठोक दिया। तो वहीं 11वें ओवर की 6ठी बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी आउट हुए। यशस्वी जायसवाल जैसे ही आउट हुए, मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक
सूर्य कुमार यादव जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाते हैं, जो काफ़ी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं, सूर्य कुमार यादव ने सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। घातक विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें, सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला। सूर्य कुमार यादव की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश की गेंदबाज और कप्तान की रूह कांप गई। आप सभी को बता दें, घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने 12वें ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगन चुमती 6 छक्के ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर आते ही आक्रमण और विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और बांग्लादेश के गेंदबाज का करियर ही खत्म कर दिया। बांग्लादेश के गेंदबाज इतना हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल से नहीं परेशान थे, इतना घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी से परेशान थे, क्योंकि सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, अगर एक बार पिच पर मैदान पर टिक गया तो समझ लीजिए कि 200-250 रन बनाने की क्षमता रखता है। सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर कोहराम मचा दिया। सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। सूर्य कुमार यादव का भी आक्रमण और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। सूर्य कुमार यादव को आउट करने के लिए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन सूर्य कुमार यादव को आउट करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। 13वें ओवर की पहली बॉल पर एक छक्का ठोक दिया, 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर कवर ड्राइव कर चौका ले लिया, 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया, तो वहीं 13वें ओवर की चौथी बॉल पर फिर दो रन ले लिए जहां पर स्ट्राइक अपने हाथों में रखी, और 13वें ओवर की चौथी पांचवीं बॉल पर दो चौके फिर ठोक दिए। घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। सूर्य कुमार यादव की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान कांप उठे। सूर्य कुमार यादव तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें, हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था, लेकिन फिर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। 14वें ओवर की पहली बॉल पर भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या 632 यानी कि 62 रन ठोक करके आउट हुए। हार्दिक पांड्या काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। हार्दिक पांड्या जैसे ही 62 रन ठोक करके आउट हुए, भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा, लेकिन फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आया महेंद्र सिंह धोनी। यानी कि मैं आप सभी को बता दूं, यह बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है, जो काफी खतरनाक और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करता है। इस बल्लेबाज का नाम कोई और नहीं बल्कि रिंकू सिंह। जी हाँ, रिंकू सिंह वो बल्लेबाज है जिसका नाम सुनते ही बड़े से बड़े घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज कांप उठते हैं। रिंकू सिंह वो तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ चुका है। इस T20 मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ पर रिंकू सिंह ने इतने छक्के ठोके जिसको देखकर शायद आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक तरीके से 14वें ओवर की बची 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के ठोक दिए, 15वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि लगातार 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोक करके 36 रन बना दिए। घातक विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें, रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से चल रहा था। सूर्य कुमार यादव के भी पसीने छूट गए जब रिंकू सिंह की इतनी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी देखी। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक दिग्गजों का सामना करे तो करे कैसे। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। पहला T20 का मुकाबला जीतने के लिए बांग्लादेश के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफ़ी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डट कर गेंदबाजी कर रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में भारतीय टीम के बल्लेबाजों को आउट करने के लिए चले थे, लेकिन बल्लेबाजों का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। यहाँ पर 17वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके सूर्य कुमार यादव ने फिर ठोक दिए और 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का रिंकू सिंह ने ठोक दिया। तो वहीं तूफानी विस्फोटक शेरों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते मैदान पर कोहराम मचा दिया। 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके फिर ठोक दिए और 20वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 चौके और एक गगनचुंबी छक्का रिंकू सिंह ने फिर ठोक दिया और बांग्लादेश के खिलाफ तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर ताबड़तोड़ तरीके से कोहराम मचा दिया। जहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने 298 तो वहीं रिंकू सिंह ने 198 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर बांग्लादेश की टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरी और काफी तूफानी विस्फोटक जुनून और जोश में दिख रही थी। पहला ओवर लेकर के कुलदीप यादव 4 रन दिए, दूसरा ओवर लेकर के गए मोहम्मद सिराज, काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज
मोहम्मद सिराज ने दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट चटकाते हुए सिर्फ 4 रन दिए। पहला विकेट मोहम्मद सिराज ने दूसरे ओवर में हासिल कराया। तीसरा ओवर लेकर गए तूफानी विस्फोटक गेंदबाज, आप सभी को बता दें, रवि बिश्नोई। जी हाँ, रवि बिश्नोई वो तूफानी, वो खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज है जिसने मैदान पर उतरते ही तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ गेंदबाजी करनी शुरू कर दी। रवि बिश्नोई ने यहाँ पर तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर सिर्फ एक ही रन दिया और काफी बेहतरीन तरीके से अपना विकेट निकाला। तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जब गेंदबाजी करने के लिए गए तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने 7वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए। अब यहाँ पर 4 विकेट चले तो गए थे बांग्लादेश की टीम के, धीरे धीरे 8वें ओवर तक जाते थे, लेकिन फिर बांग्लादेश के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे थे जिनका बल्ला मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से चल रहा था, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कहर भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज काफी तूफानी विस्फोटक तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज छक्के पर छक्के और चौके पर चौके ठोक रहे थे, क्योंकि रवि बिश्नोई के 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। तो वहीं यहाँ पर हर्षदीप सिंह के 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए, लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह ने 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि लगातार 5 विकेट ले लिए और भारतीय टीम ने यहाँ पर तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए पहला T20 का मुकाबला जीत लिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।